हम सोच रहे हैं कि हम जमील को भी बता दें। जरूर जरूर बेटा, जमील से कहो इंतजाम करेगा। जमील को भी बता दें कि उनकी शादी रिफत से होने जा रही है। मौसी जी क्या कहती है बेटा? मतलब और गर्ज शामिल था आपकी दोस्ती में? ना सिला चाहिए और ना बदला, और ना ही हमारी दोस्ती में मतलब और गर्ज शामिल था। तो फिर ये सब क्या है जमील? प्यार। अरे बेटा आप वहां क्यों रुक गई? आए ना। अब ये रूबी की बहन है। बहन? ये तो ज्यादा अच्छी है। जी हाँ, गलत कह रही हैं आप। फैसला तो नहीं किया ना उन लोगों ने अब तक? तो देख लो ना फैसला। अब क्या जरूरत थी उसे सबके सामने आने की? क्यों जरूरत नहीं थी? हवेली का हिस्सा नहीं है वो, उसका कसूर क्या है? कसूर? अम्मा बस, ये वक्त नहीं है जलती पर तेल डालने का। खुदा का वास्ते चुप कर जाएं। जलती पर तेल? तेल तो मेरे जलते हुए दिल पर मोहसिन डाल रही हूं। मासूम है मेरी रिफत, और मैं आपको बता नहीं सकती इस डर से कि आपका दिल ना जल जाए कितनी मजबूर हो गई हूं मैं। कोई बात नहीं हसन, रूबी हमारी बहन है, उनके लिए हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। जी। और इस सिलसिले में रूबी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हम उनसे कोई बात नहीं करेंगे बड़े भैया। ना परेशान भी मत होइएगा, ठीक है? आप जाइए। रूबी आपको हरगिज़ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम परेशान नहीं हैं आपकी, हम तो बस हैरान हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हमें परी को वहां लेकर ही नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? आप नहीं समझ रही हो रूबी। क्या नहीं समझ रहे हैं? शादी के बाद अगर कोई दूसरी खूबसूरत लड़की उनको नजर आ जाएगी तो क्या वो हमें छोड़ देंगे? ये भी ठीक है, बहुत बुरा किया, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है आपी, बस हमसे अपने भाइयों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। उनकी इज्जत पे कोई आंच आ जाए ये हम नहीं देख सकते। शाबाश। हमें सिर्फ भैया के रुतबे और इज्जत का ख्याल हो रहा है, वरना कोई बात नहीं। और हमें आप सबसे शर्म आ रही है। रूबी हमारी बहन है और हमारी लाडली है। अगर उनकी पसंद का ख्याल ना होता तो इस किस्म के लोग हमारी हवेली में कभी भी दाखिल मत होते। लेकिन आप परेशान ना हो, सब कुछ हमारे सामने है। नहीं मालिक, जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या रूबी ज्यादा परेशान है? लेकिन हम और बड़े भैया रूबी से इस बारे में बात नहीं कर सकते। आप उनके काफी करीब हैं, आप उन्हें समझाएं कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक, वो परेशान भी तो आप ही लोगों की वजह से है। आप लोगों की इज्जत से बढ़कर उनके लिए कुछ और मायने नहीं रखता है। जानते हैं, पर आप फिक्र मत करें, हम उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। फोन क्यों नहीं सुन रही हो? हेलो। हाँ यार, नहीं मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूं, मैं तो थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ बाय। आप क्यों रो रही हैं? हमारी खातिर? अपने खातिर रो रहे हैं? क्यों रो रही हैं? आपका तो कोई भी कसूर नहीं है। हवेली में दुखी एक और बचा हमें, क्या करें रूबी? गलत सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सच बोल रही हैं, तो आपके अलावा इस हवेली में सब कोई हमारे बारे में ऐसे ही सोचता है। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कबीर ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया, हमारा मजाक क्यों उड़ाया, हमारी फैमिली का, हमारी हवेली का क्यों? अगर आप एक बार कबीर से बात कर ले तो कि हमारा पर्सनल मामला है, बेहतर होगा कि आप दखल अंदाजी ना ही करें। समझ गई? ये क्या कर दिया आप लोगों ने? तो बेटा हमने इनकार तो नहीं किया। इनकार से ज्यादा बुरा काम किया आप दोनों ने मामा। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि डेट बाद में देंगे, और क्या कहा? डैडी, आप इस बात को नहीं समझेंगे। ये समझाया था मैंने आप लोगों को? अरे बेटा, ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं। हमने तो वही सोचा था जैसा तुमने कहा था, लेकिन जब वो लड़की अचानक हम दोनों के सामने आ गई तो मैं और तुम्हारी मामा चौंक गए उसे देख करके। कहीं वो लड़की मुझे पसंद तो नहीं? कहीं आप दोनों के साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया है? कबीर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी मामा, लेकिन मैं आप दोनों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। परी ना तो रूबी की कजन है और ना ही उसकी बहन। सीढ़ियों पर मिली थी वो उन लोगों को, ले पालक बच्ची है परी। वी आर सॉरी बेटा, हम अपनी गलती का अजाला कर देंगे। अब तो खुश हो ना? मैंने क्या खुश होना है मामा, लेकिन मुझे यह लगता है कि जैसे रूबी अब कभी भी मुझसे खुश नहीं होगी।
अरे यार तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मामा तो एक्सपर्ट है मनाने में, फिर किस बात की परेशानी है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा। रूबी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं परी, अगर हम उनका फोन नहीं उठा रहे? शुक्र है इतना तो समझ आया आपको। क्या मतलब? मतलब कि आप हमारी बात, दरख्वास्त जो भी समझे, बस एक बार कबीर से बात कर लीजिए। उससे क्या फायदा होगा, हमारा बोझ तो हल्का हो जाएगा। क्यों समझिए आप इसे अपना बोझ? हमारा ये रवैया कबीर और उनके घर वालों की वजह से। मत सवार कीजिए अपने सर पे इस बात को। प्लीज रूबी, हमारे खातिर बात कर लीजिए उनसे। अच्छा बस चुप हो जाइए आप। कबीर का ही होगा, हमारे खाते बात कर ले रूबी। हेलो। शुक्र है खुदा का कि तुमने फोन रिसीव कर लिया। वरना क्या? वरना ये कि मैं तुम्हारे घर आ जाता। कोई जरूरत नहीं हमारे घर आने की, आपके घर वालों ने जिस तरह हमारी इज्जत अफजाई की है ना, वही काफी है, याद रखेंगे सारी जिंदगी। देखो रूबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हम सिर्फ समझ रहे हैं, गलत और सही छोड़िए। देखो रूबी, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें सब समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर कोई जरूरत नहीं। हम नहीं मिलना चाहते आपसे। प्लीज, कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ वैसा ही है, एक बार प्लीज। हमने कहा ना, हम नहीं मिलना चाहते आपसे। ठीक, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ना ही मुझ पर एतबार है, मुझसे प्यार है। यही समझ लीजिए। झूठ बोल रही हो तुम। देखो रूबी, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज एक दफा मुझसे मिल लो, एक दफा मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगा। मगर हम, प्लीज रूबी, प्लीज। अच्छा ठीक है, हम कल मिलने आते हैं आपसे, लेकिन कल के बाद नहीं मिलेंगे, समझ गए आप? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जानते हो मोहसिन, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे क्या ख्याल आता है? क्या? यही कि तुम बहुत बड़े नाशुक्र इंसान। अरे भाई, आजकल सबसे बड़ा मसला फाइनेंस का, और खुदा का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी। अरे भाई, इस किस्म की टेंशन तो हम जैसे लोगों का काम है, मुलाजमत पेशा लोगों का, जिन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मालिक से पूछना पड़ता है। आपकी हर राय से मुत्तफिक है हम, सिवाय उस नाशुक्री वाली बात के, क्योंकि नाशुक्रे नहीं है। और ये जो मसाइल हैं, ये हमें परेशान नहीं करते बल्कि अजियत पहुंचाते हैं। दुनियावी सजाएं छोटी लगती हैं रूहानी सजा के सामने। बिलाल को जानते हैं? वही जो जिमखाना में हमारा दोस्त हुआ करता था, लंबा सा, जो गोरा सा था, बहुत हैंडसम जो था। वही। क्या हुआ उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें उसके पास लेके जाना। क्यों? शायद तुम नहीं जानते कि वो शहर का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट। तो मौसूफ हमें मुकम्मल पागल समझने ही लगे। तो क्या आप पागलों के सींग होते? आ जाओ।
अरे कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। परेशान लग रही है। ठीक है आपने दोस्त, मैं तो सही हम परेशान, शायद किसी का दिल दुखाया हमने। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारी दुआओं में असर होता तो हमारे लिए कबूल ना होती हमारी दुआएं। ऐसा ना कहिए जमी, हमारे लिए आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। खुदा करे। कल कबीर से मिलना है हमने। और आप हमारे साथ चलेंगे। हम आपके साथ चलेंगे। शुक्रिया। कल तक तो आप हमारा हौसला बढ़ा रही थी, आज क्या हुआ? इसलिए कि सोने की चाह में चांदी हाथ से निकल ना जाए। बात इस हवेली की इज्जत की है, जानते हैं हम सब। तो फिर आप ये भी अच्छी तरह जानती होंगी कि जब बात आपके भैया की इज्जत की हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा तबीयत तो ठीक है, बस थकावट महसूस हो रही थी बस। सच बोल रही है? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपने तो हमें डरा दिया। मैं रही क्यों, क्या हुआ मां? तुम्हारा इंतजार बहुत लंबा हो गया ना। तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मौसम ने कह दिया है ना। हाँ बेटा, लेकिन वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त के साथ बसंत भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ इसलिए कि कल का पता नहीं मोहसिन का मिजाज कैसा हो। ये आप कह रही हैं? ये बेटा कि कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। हमने अपनी चाहत पे भरोसा किया है हमेशा, बस सदमों के हाथ से ना निकल जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? मैं तो कहती हूं कि बस ये इंतजार नहीं करना चाहिए अब आपको। आप अब कह रही हैं? कल तक तो आप हमारा हौसला बढ़ा रही थी, आज क्या हुआ? इसलिए
कि सोने की चाह में चांदी हाथ से निकलना चाहिए। सोने या चांदी की चाह शायद आपको हो, लेकिन जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिन्हें ख्वाब को पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। नाराज हो अब तक? रियली? पहले हम आपसे नाराज क्यों होंगे? देखो, मैं मानता हूं कि मॉम और डैड का कसूर था इस बात में। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी यार, लेकिन उसमें मेरा क्या जुर्म है? उनका आने का मकसद, आने का हवाला आप ही की तरफ से था ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही, मगर इन्वॉल्व तो थे ना। देखो, तुम ठीक कह रही हो, मान लेते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात भी सुन लो। उन्होंने परी का जिक्र कर दिया तो क्या हो गया यार? मेरा ही कसूर है इसके अंदर। मैंने ही उन्हें परी के बारे में नहीं बताया था, बाकी सबके बारे में बता चुका था, और इसीलिए उन्होंने बोल दिया। और अगर बोल भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई? इनकार तो नहीं किया ना उन्होंने, सिर्फ इतना ही कहा था कि कुछ दिनों में डेट अनाउंस कर देंगे। मामा तो आज मुझसे कह भी रही थी कि मैं तुम्हारे घर फोन करके मंगनी की डेट डिसाइड करना चाहती हूं, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। उनसे कहा ना कि आज मैं रूबी से जाके बात करूंगा, उससे मिलूंगा, उसे मनाऊंगा, और उसके बाद वो फोन करेगा। मैं समझ रही हूं, हमारी फैमिली ने ये बात बहुत महसूस की है। अंदाजा है मुझे। देखो रूबी, इस पॉइंट पर आकर प्लीज यूं मत करो। हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यार, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं। एक छोटी सी जिद हमारे रिलेशनशिप को तबाह कर सकती है इस वक्त। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो और मान जाओ, प्लीज। हम रिफत आप ही से बात करेंगे। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। मैं चलती हूँ। और हाँ, रिफत को। और हाँ खाला जान। जी बेटा, हम सोच रहे हैं कि हम जमील को भी बता दें। जरूर जरूर बेटा, जमील से कौन इंतजाम करेगा? जमील को भी बता दें कि उनकी शादी रिफत से होने जा रही है। रूबी के मम्मी के दिन हमारी शादी की बात नहीं करनी थी आपने मोहसिन से? नहीं, वो वक्त ही नहीं मिला, कैसे करती। और फिर एक और बात थी जिसकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा।
वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त के साथ बसंत भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। हमने अपनी चाहत पे भरोसा किया है हमेशा। सोने या चांदी की चाह शायद आपको हो, लेकिन जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, और जिन्हें ख्वाब को पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। मेरे मौला, मुझे इस इम्तिहान से निकाल बाहर कर, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची को सलामत रख। जिस बात के लिए मैं खुद उसका जहन तैयार करती रही, कोई बात कहीं उसके लिए ना काबिले बर्दाश्त ना हो जाए। मेरे अल्लाह, जो रिफत के हक में बेहतर फैसला हो वही करते मेरे मालिक। जी अंकल, आपको कबीर से नहीं मिलना चाहिए था, और वैसे भी अगर आप हमें बता के जाती तो हमें ज्यादा खुशी होती। अभी वो हम बस खैर, जो आपने हमें बात बताई है उससे जाहिर है कि कबीर का कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी बात इस हवेली की इज्जत की है। जानते हैं हम सब। तो फिर आप ये भी अच्छी तरह जानती होंगी कि जब बात आपके भैया की इज्जत की हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जी। ठीक है, हम आपके भैया से बात करने की कोशिश करेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें आपकी खुशी अजीज है। जाइए। कौन? लो मेरा बेटा, दूध पी लो। अरे कुछ कहा है मैंने? पी लेता हूं। चलो सब ठीक है, तुम्हारी मुलाकात तो हुई उससे? हाँ हुई तो थी, लेकिन वो बहुत नाराज है मुझसे। चलो वो मान जाएगी तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम हमें कब बताओगे मंगनी की डेट के लिए? नहीं मॉम, अभी नहीं, मैं खुद आप दोनों को बताऊंगा। सब चलो मुंह ठीक करो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दूध पी लेना और सो जाना, ठीक है? बाप बन के पाला है रूबी को, उनकी खुशी हमें क्यों अजीज नहीं होगी? फिर थोड़ी सी लचक तो पैदा करनी पड़ेगी आपको। इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते,
और ये बात आप जानती हैं। हमें दुख है इस बात का कि हमारी बहन खुश नहीं है, लेकिन उनकी खुशी के लिए इस हवेली की नामूस को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जो आपका हो। आप में जहां इतनी सारी खूबियां हैं, वहां आपकी खूबी हमें बहुत पसंद है। बात जल्दी समझ आ जाती है आपको। समझने के लिए जहनी हम वहां की जरूरी होती है। बस आप ही को समझ पाए हम। अच्छा तो ये बात है। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं कबीर की मम्मी आके कोई नेगेटिव रिस्पांस ना लेके जाए। बहुत टेंशन की बात है। रफत आप ही ने हमसे कहा था कि वो बड़े भैया से बात कर लेंगे, मगर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। तो नहीं, क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। रूबी, हम मालिक से बात करते हैं। ये बात अब छोटे भाई की बस में नहीं रही। इस उलझन को सिर्फ बड़े भैया ही सुलझा सकते हैं। बड़े भैया से कौन बात करेगा? हम बात करेंगे। आप बात करेंगे? होश में तो है आप? उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम बाद में जाके पछताना नहीं चाहते। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए परी, बड़े भैया ने बचपन से लेकर आज तक हमारी हर खुशी का ख्याल रखा है। बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, औलाद की तरह है उनकी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें मायूस नहीं होने देंगे। सोच रहे हैं? सोच तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन यही कि एक बार रूबी का रिश्ता हो जाए फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। सब ठीक हो जाएगा। हम भी इसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। आपके हवाले से परेशानी नहीं है हमें। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है आपको। बस हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर रूबी के लिए फैसला हम कर चुके हैं। कैसा फैसला? यही कि रूबी का रिश्ता अब वह नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको रूबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए बस कर जाइएगा। हम आपके कहने पे कबीर का रिश्ता कबूल किए लेते हैं और आप रिफत से रिश्ते के लिए हां कर दीजिए।
चलें हमारे साथ। मेरे पहलू